अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब भाइयों का ठीक ठाक है? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। कंप्रेसर भेज रहे हैं थर पार्कर में, भाई ने नाम बताने से मना किया है। ठीक है, तो कंप्रेसर है ऑटो, 12 वोल्ट, 220 वोल्ट बैटरी वाला भी है और एसी करंट वाला भी है। बिजली डायरेक्ट स्विच में भी आप लगा सकते हैं जैसे आपको दिल चाहे। पहले काफ़ी सारे इसके पार्सल भेजने के रिव्यूज़ बना चुके हैं, ठीक है, और इसके भी बना चुके हैं, तो अभी फिर एक बनाते हैं। ये सबसे पहले इसके साथ दिखाते हैं कि इसके साथ क्या है। इसके साथ सबसे पहले आ गया है जी इसका पाइप, इसकी तार। ये तार है जिससे बिजली में आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी वही नॉर्मल डबल फिल्टर वाला जो होता है ना, ये वो वाला पंप है, कंप्रेसर है, फिल्टर, एयर फिल्टर के साथ एक्स्ट्रा फिल्टर्स आ गए। उसके बाद जो इसका है मैनुअल आ गया, पोर्टेबल पीसीबी एयर गन कंप्रेसर। और फिर कंप्रेसर की तरफ आते हैं, ये कंप्रेसर है, ठीक है। ये जो इसमें ये पाइप लगा हुआ है ना, ये आप येलो येलो जो स्विच भी देख रहे हैं, ये इसका लगता है इस जगह पे। अभी आपको दिखाते हैं, उस साइड पे है ये जो येलो वाली जगह है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर डीसी, ठीक है, यहाँ पे लगता है। और पावर जो एसी है, असल में थोड़ा भारी है इसलिए मुश्किल होगी, ये पावर एसी वाला है, ये पावर डीसी वाला है, ठीक है। और ये इसका फ्यूज़ नीचे लगा भाई, ये एयर इसकी गर्म ना हो इसलिए ये दिया हुआ है। पीछे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, 12 वोल्ट HP कंप्रेसर मॉडल इसके, 220, 110, 12 वोल्ट। वॉल्यूम साथ इसका लिखा हुआ है, लेंथ, फिट, हाइट, इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वेट इसका 8.8 kg है। इसमें कूलिंग के लिए फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, और 3 स्टेज है ये पावर सप्लाई। आपको बता दिए कि 12 वोल्ट भी है डीसी और एसी भी है। पावर 350 वोल्ट है, इन्फ्लेशन प्रेशर 30 MPa है, ये 4500 PSI, ठीक है। 4500 PSI से एक बात बताते हैं आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा भाई। पहले एक गेज देख ली, गेज है और ये इसका थर्मोमीटर है टेम्परेचर की। ये बहुत ज़्यादा भाई कहते हैं भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर क्या नाम है इसका, अगर हम इधर रखते हैं इसके ऊपर, अगर हम ये करें कि हमारे पास जो गाड़ियों वाला ऑल्टो वाला वो आता है इन्फ्लेटर आता है, या हमारे पास जनाब आता है जो साइकिलों वाला पंप होता है, ये गाड़ियाँ जिससे पंप ये पेट्रोल पंप वाले हवा भरते हैं, तो ट्रकों की हवा इसमें भरते हैं, वो उससे भर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। चाहे आप ट्रक में भरें, डंपर में भरें, बिल्डोज़र के टायर में हवा भरें, बात ये नहीं है, बात PSI की है, ठीक है। इस एयर गन को भरने के लिए 4500 PSI चाहिए, ठीक है। और जो है ना ये टायरों में हवा भरने के लिए, उसके लिए 1000 PSI चाहिए। अब ऑल्टो के साथ जो कंप्रेसर आते हैं अलग से भी आप गाड़ी के ले लेते हैं, वो आपको 10-15 हज़ार में मिल जाता है। और ये इसमें कम से कम वाला मॉडल भी 45-46 हज़ार का है, ये वाला ऑटो वाला, ये ऑटो कंप्रेसर उससे भी महंगे, ठीक है, 5-10 हज़ार उससे ये महंगे, 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता, ये इस बात को समझें कि आप उससे हवा नहीं भर सकते, सिर्फ आप ऑटो वालों से इस जो कंप्रेसर होते हैं 4500 PSI जो दे सकते हैं ना कंप्रेसर या पंप, उससे आप भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हैंड पंप है वो साइकिल वाला, वो 2-2.5 हज़ार के, और ये वाला सस्ते सस्ता भी 12-13 हज़ार का है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और शॉप पे आएँ, इंशाल्लाह शॉप ओपन होती है, शॉप का टाइम है सुबह 10 से शाम 7:30 तक पिंडी वाली, और कराची वाली का है सुबह 11 से शाम 7:30 तक, ठीक है। जुमे वाले दिन शाम 3 से शाम 7:30 है दोनों दुकानों का टाइम, और कैश ऑन डिलीवरी ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है, डिलीवरी अवेलेबल है, डिलीवरी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।